नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। बेमौसम बारिश से राज्य में हुई फसलें बर्बाद, राज्य सरकार किसानों को देगी मुआवजा। महाराष्ट्र विधानसभा में आर्थिक सर्वे हुआ पेश। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा चौथा टेस्ट मैच। तमिलनाडु में भाजपा को लगा करारा झटका, आईटी विंग के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले अमृतसर यूनिवर्सिटी के बाहर लगे खालिस्तानी पोस्टर। नागालैंड के सीएम नेफ्यू को समर्थन देने पर जदयू ने भंग की पार्टी की राज्य इकाई। बिहार में बीजेपी ने 45 जिलों में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति। जंतर मंतर पर 10 मार्च को विपक्षी दलों का जमावड़ा, वुमन रिजर्वेशन बिल की मांग को लेकर करेंगे समर्थन। महाराष्ट्र का बजट होगा आज पेश, सीएम शिंदे बोले महिलाओं और मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करेंगे। अभिनेता सतीश कौशिक की मौत के मामले की जांच करेगी दिल्ली पुलिस, अंतिम दिन को लेकर होगी पूरी पड़ताल। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर की पहले बल्लेबाजी करने का फैसला।